YouTube वीडियोस का SEO करना बहुत जरूरी है, मगर आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए आप लोगों को तीन बातें को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज SEO करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। फर्स्ट, वैल्यूएबल कंटेंट होना बहुत जरूरी है। सेकंड, ऑडियो क्वालिटी। थर्ड, वीडियो क्वालिटी। आपकी वीडियो में बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आप लोगों को क्या सिखा रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इससे लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं। इसके बाद आप SEO करो, आपकी वीडियोस पर व्यूज आएंगे, ये गारंटीड है। SEO करने के लिए ऑडियो क्वालिटी अच्छा होना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को जो कहोगे वो लोग आसानी से सुन पाए, और वीडियो क्वालिटी अच्छा होना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप जो लोगों को वीडियो दिखाओगे वो लोग आसानी से देख पाए। तो बने रहो वीडियो पे एंड तक अगर आप SEO करना सीखना चाहते हो। एंड आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है रिहान, और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड्स, लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं। टाइटल आपका एकदम छुरी की तरह तेज होना चाहिए, जिसको देखते ही लोग क्लिक किए बिना जा ना सके। मगर ऐसा होता नहीं है, तब पर भी लोग क्लिक नहीं करते हैं। अब टाइटल कैसे लिखते हैं तो पहले वो जानते हैं, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये जैसा कि मेरा टाइटल है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, तो आप लोग कैसे लिखते हो, आगे से यहाँ पर दंडा दे देते हो कुछ इस तरीके से, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर आप लोग एक और दंडे दे देते हो। तो इस तरीके से नहीं देना है। हाँ, मैं भी देता हूँ, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं भी दे देता हूँ, पर मैं वहीं देता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ देना चाहिए, यहाँ ज़रूरत होती है। अगर आपका भी कुछ इस तरीके से टॉपिक हो, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, तो आपको आगे से कैसे लिखना है, से पैसा कैसे कमाएं, से पैसा कैसे कमाएं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक टाइटल के साथ दो टाइटल बन चुका है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम का होगा, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम, से पैसा कैसे कमाएं। तो देखा आपने, एक टाइटल के अंदर दो टाइटल। अगर आप भी चाहते हो टाइटल लिखना तो आगे डंडा लगा करके आप भी लिख सकते हो, तो आपके भी ऐसे ही दो टाइटल बन जाएंगे। तो ये सब SEO में बेसिक होता है। अब आते हैं हैशटैग की ओर। आपको मैक्सिमम 5 हैशटैग यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ से आप अपने हैशटैग को फाइंड कर सकते हो। तो अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना टाइटल को एंटर कर देना है, एंड यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक कर देना। सर्च पर क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको इस हैशटैग पर चले जाना है। हैशटैग पर जाने के बाद यहाँ पर अभी मेरा एक कीवर्ड शो हो रहा है, आपको कुछ कुछ और 4 से 5 हैशटैग शो होंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ज़्यादा हैशटैग यूज़ नहीं करना है, सिर्फ एक हैशटैग को आपको कॉपी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 हैशटैग यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करना है। सो यहाँ पर से आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक करना है, एंड अपने वीडियो पर जा कर के आपको इसे पेस्ट कर देना है। मगर ज़्यादा हैशटैग मत लगाओ, ये नहीं कि 10 से 12 हैशटैग लगा दिया है, 4 से 5 हैशटैग आपके लिए ठीक है। तो अब आप ये कैसे चेक कर सकते हो कि आपका कितना परसेंट SEO हो चुका है, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ट्यूबबडी या फिर VidIQ। जो भी एप्लीकेशन पे आपको इंटरेस्ट आ रहा हो आप उस एप्लीकेशन से यूज़ करके चेक कर सकते हो। तो ट्यूबबडी को यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे आपको जानकारी वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। अब आप ये स्क्रीनशॉट देखो। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग देखो। इस वीडियो में मेरे ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी अच्छा आ रहा है, यूट्यूब ज़्यादा इम्प्रेशन करा रहा है, और जब तक ये अप रहेगा तो ये कराता ही रहेगा, भले ही इसमें व्यूज़ ना हो, बिकॉज़ जो भी लोग इस वीडियो को ओपन करें ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी अच्छा दे करके जा रहे हैं, वीडियो को पूरा देख कर जा रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो एवरग्रीन बन चुका है। तो हमेशा इसमें व्यूज़ कराता रहेगा और ये लाइफ टाइम तक चलता ही रहेगा। ओके, तो अब YouTube वीडियोस को टैक्स लगाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट, आपका माइंड। सेकंड, एक टूल के बारे में आपको बता दूंगा, मगर उस टूल की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है जितना कि आपका माइंड का ज़रूरत पड़ता है। एग्जाम्पल, आपको YouTube पर वीडियोज़ बनाना नहीं आता तो आप क्या सर्च करोगे, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन,
मगर किसी किसी को तो हिंदी आती है, तो वो कैसे सर्च करेंगे, यूट्यूब पर पैसे कैसे कमाएं। यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने टैक्स यहाँ पर लगाए और ये सारे के सारे टैक्स रैंक कर रहे हैं, और ये सारे टैक्स मैंने अपने माइंड से लगाए हुए हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपने माइंड से लगाना है। तो यहाँ पर आपको अपने माइंड को यूज़ करना होता है कि लोग किस किस टाइप से सर्च करेंगे आगे। ट्रस्ट नहीं होता ना, मगर यही सच, आपको अपने माइंड से सोचना है। तो अगर आप मेरी तरह अपने माइंड से टैग फाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको एक टूल के बारे में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने टाइटल को पेस्ट करना है, तो वहाँ से मैंने उठा करके यहाँ पर डाल दिया। ये हमारा टाइटल हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन, तो ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। सो मैंने सर्च पर क्लिक कर दिया। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही हमें काफ़ी सारे टाइटल्स मिल जाते हैं। तो आपका जो मन चाहे आप यहाँ से टाइटल को उठा करके अपनी वीडियोज़ पर जा करके लगा सकते हो। मैं भी ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तब मैं ये टूल को यूज़ करता हूँ। अब आपको मैं डिस्क्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने सारे लिंक्स को दे देना है, जैसे कि मैंने दे दिया है, उसी तरीके से आपको भी अपने सारे लिंक्स को दे देना है। एंड यहाँ पर मैंने टाइटल को भी दे दिया है, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मेरा है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, तो आगे से मैंने लिख दिया से पैसा कैसे कमाएं। यहाँ पर आप लोग देखो गाइस, जैसे कि ये मेरा टाइटल हो गया। नीचे गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिख दिया, गाइस इस वीडियो में मैंने बताया कि आप यूट्यूब से पैसा कैसे कमा सकते हो, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वॉच टिल एंड। उसके बाद गाइस आपको यहाँ से अपना टाइटल को कॉपी करना है एंड नीचे भी आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा डबल डबल यहाँ टाइटल पे भी आ गया और यहाँ हमारा डिस्क्रिप्शन पे भी आ गया। तो यहाँ पर मैंने सम रिकमेंडेशन दिया है, उसके बाद मैंने अपना सारा माय कैमरा माय लेंस सारा इसके बारे में डिटेल्स दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने टैक्स के लिए अपना जगह छोड़ा है। यहाँ पर आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं उसका टैक्स आपको यहाँ पर लिख देना है, एंड फेसबुक प्रोफाइल इंस्टाग्राम का आपको सारा लिंक अपने हिसाब से आपको जिस टाइप से अच्छा लगता है उस तरीके से आपको दे देना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है। तो देखा आप लोगों ने, हमारा दो टाइटल आ चुका है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा लिखता हूँ वैसा ही आप भी डिस्क्रिप्शन में लिखो, आप अपने तरीके से भी चाहते हो लिखना तो आप वहाँ पर ही लिख सकते हो। अब देखो गाइस एक चीज़ जो आप लोग गलती करते हो, यहाँ से जैसे कि मैंने टाइटल को अपना कॉपी किया हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, सो यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पर अपना टाइटल को डिस्क्रिप्शन पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर मैंने फिर से कॉमा दिया, यूट्यूब से पैसा कैसे कमाते हैं, फिर मैंने कॉमा दिया, यूट्यूब से पैसा कमाने के तरीके, फिर कॉमा दिया, फिर मैंने कुछ टाइटल लिख दिया। तो कुछ इस तरीके से आपको नहीं करना, यही गलती आप लोग करते हो अपने टाइटल्स के दौरान टैग्स को ऐड करने में। हाँ, मगर आप लोग ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पर जैसे कि मैंने कॉमा दिया था, यहाँ से मैंने एंटर दबा दिया, नीचे आ गया, इस कॉमा को मैंने मिटा दिया, फिर यहाँ से मेरा कंप्लीट हुआ, फिर मैंने यहाँ से एंटर दबा दिया, फिर इस कॉमा को मिटा दिया। तो इस तरीके से आप टैक्स इंटर कर सकते हो, बट ऐसा मैं इंटर नहीं करता हूँ, देखने में काफ़ी आउट लगता है। अगर आप ऐसा करके लगाते हो तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाएगा, और जैसा मैंने बताया अगर आप उस टाइप से लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस टाइप से होता है आपका वीडियो का SEO। अब आप लोग पूछोगे कि हमें कितना टैक्स लगाना अपनी वीडियोस पे, तो YouTube आपको 500 टैक्स अलाउ करता है। अगर आप नहीं भी लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका जो टाइटल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो आपका वीडियो वायरल कर देता है। लेकिन गाइस अगर आप लोगों ने चैनल अभी अभी नया नया स्टार्ट किया है तो आप लोगों को चैनल पे टैक्स लगाने की जरूरत पड़ेगा, तभी जाकर के आपका वीडियो जल्दी रैंक करेगा। सो होप गाइस अब मुझे लगता है कि आप लोग यूट्यूब SEO करना सीख गए होंगे अच्छे से। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हुए और कितने दिनों में कितने सब्सक्राइबर्स हुए, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और आओ इंस्टा पे बातें करते हैं, मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और अपने चैनल को कस्टमाइज कैसे करते हैं अगर सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए।